अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। कहना जजीद आ गया जे। हजरत हुसैन और हजरत हसन के मानने वाले लाखों आदमियों ने अपने बेटों के नाम हसन हुसैन रखे हैं, जबकि यजीद के मानने वालों ने यजीद के नाम पर अपने बेटों के नाम नहीं रखे। वाकई वाकई, ये बा यजीद बुस्तामी कौन है? तुम्हें नहीं पता ये बा यजीद कौन है? एक ओ अबू यजीद बुस्तामी ते ए अबू यजीद मौलवी। वलीउल्लाह नहीं, ये कैसे हो सकता है? अबू यजीद कहते जी, बा यजीद नाम अबू यजीद जायज है, रखो ना अपने बच्चों के नाम यजीद। हाँ, तुहाडे पुत्र जदों स्कूल जाण ते लोग कहना यजीद आ गया। हाँ, जदों छुट्टी वेले तू लैण जाए ते कहण यजीद अब्बा आ गया। वाबियो मनहूसो यजीदियो बनु उमैया के गुलामो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी वो मुफ्ती साहब से निकल गए ना, हम तो अपने कुत्तों के नाम भी यजीद ना रखें। हाय, मेरा यजीद के बारे में ये नजरिया है, अगर वैसे मेरे घर में कुत्ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई कुत्ता हो मैं उस कुत्ते का नाम भी यजीद ना रखूं। तू अपने कुत्ते का नाम यजीद ना रखे, ते तेरा बाबा बा यजीद बुस्तामी वो अपने पुत्र का नाम यजीद रखे, अपनी कुनियत अबू यजीद रखे। किधर दिमाग गया मेरा? और देखें इनके मुंह से कैसी बात अल्लाह ने निकलवा दी है कि हम तो अपने कुत्तों के नाम भी ना रखें। और बाजीद बुस्तामी के बारे में इनका दावा है कि वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था, और वो भी कब्र पे। ओए इमाम जाफर के मानने वाले, आज अपने बच्चों के नाम यजीद ना रखें। जो डायरेक्ट मुरीद था उसने कैसे अबू यजीद अपनी कुनियत रख ली? कैसा फड़ाया मैं इन्होंने, कितने दिमाग गया मेरा। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। और आपको ये बताऊं, जिनको इल्म हो रहा है वो ये कर दे, रात को वस्समय वत्तारीख पढ़े, वस्समय वत्तारीख के बाद कलम की जरूरत नहीं, अपने हाथ से इधर लिखो उमर उमर लिखो, और ये अपने नाड़े को मजबूत बांध करके शलवार के अंदर करो, आपको इत्तलाम हो गया तो मौली मंजूर को फोन कर लेना। साफ़